अभी आप सीखने जा रहे हैं लिविंग वाटर कैसे बनाएं। लिविंग वाटर मतलब स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी, दैट इज़ द बेस्ट वाटर आपकी बॉडी के लिए। या तो आप झरने के पास चले जाएं, अगर नहीं जा पाएंगे तो उसको मिमिक करते हुए आप खुद ही घर पे उस तरह का कुछ पानी क्रिएट कर सकते हैं टैप वाटर से। तो आप देखिए उसके लिए जो तैयारी करनी, वो तैयारी कुछ ऐसे, पहले तो कुछ पत्थर इकट्ठे करने हैं आपको, जैसे ये पत्थर है, ये मोटे पत्थर है, इस तरह के पत्थर, और उसके उससे थोड़े और फाइन पत्थर वो ये है, और इससे भी फाइन पत्थर वो ये जो आप देख रहे हैं, और उसको धोना भी है आपको, करीब 5-6 बार धोना है, और उससे भी फाइन ये सैंड ये भी इकट्ठे करने, और उसको भी 3-4 बार 5 बार धोना है, जैसे अच्छी तरह धोना है, फिर पानी चेंज करना है, फिर धोना है। और इसके अलावा आपको इस प्रकार के मोरिंगा सीड्स आप देख रहे हैं ये इकट्ठे करने हैं, इसको पाउडर बना देना है इसके, और फाइनली ये चारकोल आप देख रहे हैं, वुड चारकोल। तो ये इंग्रेडिएंट चाहिए, इसके अलावा ये कॉपर का प्लेट ये चाहिए। अब आप तैयार हैं अपने लिए लिविंग वाटर बनाने के लिए। ये तीन मटके आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मटके में तो पानी कलेक्ट होगा, और ये जो मटका इस मटके के नीचे यहाँ पे आपने होल कर दिए, 3 या 4 होल कर दिए, छोटे छोटे होल बिल्कुल, और इसके अंदर आधे मटके में, आधे मटके तक आपको ये पत्थर भरने हैं, उससे छोटे पत्थर भरने हैं, उससे छोटे पत्थर भरने हैं, और ऊपर से बालू डालते रहना जब तक ये भरना जाए, और उसके ऊपर ये चारकोल ये डाल देना है। दूसरे वाले में भी लगभग ऐसा ही कुछ करना है आधे तक, और तीसरे वाले में आपको मोरिंगा सीड्स का जो पाउडर बनाया था वो पाउडर बना के डाल देना है, और साथ में ये कॉपर का प्लेट रख देना है। इस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं जो पानी आपने डाला वो धीरे धीरे करके कुछ घंटों में, करीब 7-8 घंटों में ये सारा पानी फ्लो होता हुआ, ठीक उसी तरह से जैसे स्प्रिंग का वाटर फ्लो होता है, पहाड़ों से पत्थरों से टकराते हुए मिनरल्स को इकट्ठा करते हुए वो आगे बहता है, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग वाटर। उसी तरह से धीरे धीरे ये फ्लो होता हुआ, और इम्प्योरिटीज़ अटकते चले जाएंगे, और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस हैं, वो रुकते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो पानी मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड द नेचर्स मिनरल वाटर, दैट इज़ कॉल्ड द लिविंग वाटर। और ये वाटर है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, पीते वक्त भी, खाना बनाते वक्त भी। सो दिस इज़ योर स्प्रिंग वाटर, दिस इज़ योर लिविंग वाटर।